से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और जैसा कि आपने देखा हमारे लास्ट वीडियोस में हमने एमएसएमई के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई कि ये लोन किसके लिए है या कौन इसका लाभ उठा सकता है या कौन इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो जो चीज़ें पहले से थी उसके बारे में भी बताया, जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं उसके बारे में भी बताया, मगर लोगों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना रहता है कि नहीं सबके लिए है या सब कुछ है। तो अब मोस्ट वेलकम है, अगर किसी का ये काम आगे बढ़ता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो इसी सिलसिले में आधार कार्ड में भी, जो आपका आधार यूएमई जिसको बोलते हैं उद्योग आधार, उसमें भी बहुत सारे लोगों का, जैसे पहले जो आधार उद्योग था उन्होंने अपना सेविंग अकाउंट ही देके रख दिया उसमें, या मान लीजिए पैन कार्ड में रेक्टिफिकेशन था, या मान लीजिए उनका एड्रेस में चेंज हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आए थे कि वो जो उनका सर्टिफिकेट निकला हुआ है तो क्या फिर से वो उसको रेक्टिफाई करके अपना सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो जहाँ तक गवर्नमेंट का गाइडलाइन है कि आप ऐसा कोई भी रेक्टिफिकेशन अपना फिर से कर सकते हैं और उसमें जो भी चेंजेस है करके फिर से नया सर्टिफिकेट आप अपना निकाल सकते हैं। तो आज इसी के ऊपर आज हमने अपना वीडियो बनाया हुआ है और हम आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे दिखाएंगे कि गवर्नमेंट का कौन से साइट पे जाके और क्या चीज़ आपको करना है ताकि आप अपने आधार उद्योग में अपना जो भी मिस्टेक है या न्यू चीज़ कुछ ऐड करना है तो आप उसको ऐड कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और फिर से उसको प्रिंट करके आप जहाँ भी आपको देना हो, लोन में देना हो या किसी चीज़ में यूज़ करना हो या किसी चीज़ का सब्सिडी पाना हो तो आप उसको बहुत आसानी से पा सकते हो। तो आइए देखते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, ये जो है आपका एमएसएमई का साइट है जिसपे से आप चाहें तो अपना जो भी आपका पुराना अपडेट है, एड्रेस है या जो भी चेंजेस करना है आप उस पर बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये आपका आधार उद्योग का वेबसाइट खोल के आप जो देखिए इसमें बहुत सारे प्रोग्राम और स्कीम्स भी दिए रहते हैं, मगर आप इसमें चाहें तो अपनी चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये सारी चीज़ें आपके सामने अपडेट होती हैं, उसके अनुसार ये चीज़ें चेंज भी होती हैं। तो देखिए ये आपका साइट में जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का है, इसमें आपको नीचे जाना है और नीचे जाके आपको ये देखिए उद्योग और आधार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया विंडो आपके सामने आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जिसके थ्रू आप अपना वेबसाइट और उद्योग आधार में चेंज कर सकते हैं। ये देखिए उद्योग और आधार में आप लास्ट में जाके आपको ये यूएमई वेरीफाई मिलेगा और इसमें से देखिए आपका जो इतने लोगों ने अभी तक उद्योग आधार को ले चुके हैं, मतलब काफ़ी लोगों की संख्या बढ़ गई है ये उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन का। ये देखिए उसका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन का होता है कि जैसे जो भी आपका नाम है वो कैसा होना चाहिए, जो आपने आधार उद्योग में दे रखा है, मतलब जो आपका आधार कार्ड बना हुआ है उसी में आपको देना, जो नाम है वही नाम देना पड़ता है, फिर चेंज होता है। ये देखिए इसमें क्या है आपको दिया हुआ है, आपको 12 लास्ट जो आपने 12 डिजिट यूएमई नंबर यानी आधार उद्योग नंबर जो आपको मिला हुआ है पहले से वो नंबर आपको इसमें इंटर करना है और जिससे, और नीचे आपका कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा आपको फुलफ़िल करना है। आपके मोबाइल पे एक ओटीपी वेरिफिकेशन जाएगा, वो वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर एप्लीकेशन में फिल करना है और फिल करते ही आपको ये वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते ही आपका वो पेज ओपन हो जाएगा। और वो पेज जैसे ही ओपन आपका होता है, ओपन करके आप सारी चीज़ें उसमें अपना जैसे नाम हो, एड्रेस हो या बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज करनी होती हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं। और चेंज करके इसमें ये देखिए ये कोड है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे को क्या होता है जैसे कोड में गलती हो जाती है कि हाँ NIC कोड कुछ अलग था, उस समय समझ नहीं पाए, तो वो NIC कोड यहाँ से लिस्ट दिया रहता है कि कौन सा बिजनेस कौन से NIC कोड में आता है, तो आप उसमें से NIC कोड अपना चूज़ कर सकते हैं। और चूज़ करके इसमें पूरा दिया रहता है 1 to Z बहुत सारे पार्ट हैं, अलग अलग राज्यों में भी बहुत सारा डिपेंड करता है कि क्या NIC कोड के लिए उसने रिक्वेस्ट किया है और उसके आधार पर अपडेट हो। जैसे उत्तराखंड में NIC कोड आपका टूर एंड ट्रेवल्स का भी NIC कोड है, मगर बाकी जगहों पर थोड़ा उसका कम है। तो ये था उसका NIC कोड का। और इसमें आप वेरिफिकेशन का भी काम अपना बहुत ही आराम से कर सकते हैं कि आप अपना जो आपका सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल है या क्या चीज़ है या नहीं है। और इसमें फॉर्म्स का भी सुविधा है, देखिए आप चाहें तो ऑफलाइन भी, अगर किसी को ऑनलाइन नहीं आता है तो ऑफलाइन भी फॉर्म डाउनलोड करके अपना जो है गवर्नमेंट को वो जाके जो उनका DIC सेंटर है वहाँ पे जाके वो जमा दे सकते हैं ताकि उनका ये नंबर जो है वहाँ से इशू हो पाए
और उनको वहाँ से सर्टिफिकेट बोलिए या फिर जो नंबर होता है वो वहाँ पे रजिस्टर्ड करके DIC ऑफिस में देते हैं, ताकि उनका काम भी चल पाए, क्योंकि सारे लोग तो मतलब उतने अपडेट होते नहीं हैं कि ऑनलाइन सारे कुछ कर पाएँ। तो ऑफलाइन का भी गवर्नमेंट ने व्यवस्था रखा है, ये फॉर्म डाउनलोड करके आराम से आप प्रिंट करके उसमें जो भी डिटेल्स है, आपका नाम, कितना प्रोजेक्ट है आपका, क्या सेंक्शन अमाउंट है आपके लिए, क्या क्या कोड पे आप काम करते हैं, एड्रेस क्या है, ऑफिस क्या है, सारा कुछ आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। तो ऐसे देखा है यहाँ।